हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रकाश भील हत्याकांड में चचेरे भाई ही निकले हत्यारे, दोनों आरोपी गिरफ्तार। आरोपी मोर्चे से लेकर धरना स्थल व एसडीएम को ज्ञापन सौंपने तक दोनों रहे शरीक। बागोड़ा पुलिस ने 23 दिन पूर्व रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रकाश भील की बेरहमी से हत्या करने के मामले का पर्दाफाश कर दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हत्यारे और कोई नहीं, मृतक के कुटुम्ब में चचेरे भाई ही निकले। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देश में हत्या एवं गंभीर प्रवृत्ति के प्रकरणों का राजफाश कर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत डॉक्टर अनुकृति उज्जैनिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जालौर के निर्देश एवं शहर लाल वृत्त अधिकारी वृत्त भीनमाल के सुपरविजन में शिवराज सिंह उप निरीक्षक बागौड़ा के नेतृत्व में प्रकरण संख्या 92 दिनांक 24 जून 2021 धारा 302 भादस पुलिस टीम बागौड़ा में हत्या की वारदात का पर्दाफाश करने हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा घटना के बाद से ही ब्लाइंड मर्डर की वारदात का खुलासा करने हेतु करीब 30 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से मनोवैज्ञानिक तरीके से गहनता से पूछताछ कर लगातार मौजा कूड़ा ध्वेचा गांव में संदिग्ध शख्सान की गतिविधियों पर नजर रखी गई और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए उक्त ब्लाइंड मर्डर की वारदात का राजफाश कर मृतक प्रकाश पुत्र भवराराम भील निवासी कूड़ा ध्वेचा के ही कुटुम्ब में चचेरे भाई गणपत राम पुत्र फौजा राम उम्र 20 वर्ष व जामता राम पुत्र राव राम भील उम्र 22 वर्ष निवासियान कूड़ा ध्वेचा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस के लिए बनी चुनौती, घटना रात्रि के समय व सुनसान स्थान पर कारित करने एवं मृतक व आरोपियों के पास मोबाइल फोन नहीं होने से पुलिस के लिए उक्त वारदात का खुलासा करना पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो गया था, मगर आखिरकार 23 दिन बाद पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर ही लिया। ऐसे हुआ था घटनाक्रम। 23 जून को अज्ञात मुलजिमानों द्वारा प्रकाश पुत्र भवराराम भील निवासी कूड़ा ध्वेचा की हत्या कर मृतक प्रकाश का शव शमशान भूमि के पास नर्मदा परियोजना में लगे नल के पास नग्न अवस्था में छोड़ दिया था। मृतक के भाई जैसाराम पुत्र भवराराम भील की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शिवराज सिंह भाटी उप निरीक्षक पुलिस थाना बागौड़ा के हवाले किया गया था। मुलजिमान शातिर गिरफ्तार हत्यारे गणपत व जामता राम मृतक प्रकाश के साथ शराब का सेवन किया और उक्त शराब पार्टी में दोनों आरोपियों के अधिक शराब पीने से मृतक प्रकाश व इनके बीच बोलचाल व गाली गलौच होने पर आरोपियों द्वारा मृतक प्रकाश को नंगा कर शमशान भूमि में पड़ी लकड़ी की लाठी एवं लातों हाथों मुक्कों से मारपीट की, जिससे मृतक को घटना स्थल पर छोड़कर फरार हो गए। गणपत व जामता राम मृतक के रिश्ते में चचेरे भाई लगते हैं, जो दोनों इतने शातिर थे कि स्वयं पर कोई शक ना करे, इसलिए घटना के दूसरे दिन जब मृतक प्रकाश का शव घटना स्थल से मोर्चरी रूम में लाया गया, तब दोनों आरोपी मृतक के परिजन के साथ शोकाकुल होकर वारदात का खुलासा करने की मांग में शामिल थे। उसके तत्पश्चात 15 जुलाई को वारदात का खुलासा करने बाबत मृतक के परिजनों पर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के पदाधिकारियों द्वारा उक्त प्रकरण के वारदात का खुलासा करवाने के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट बागौड़ा को दिए ज्ञापन के दौरान मुलजिमान गणपत व जामता राम दोनों टेंट गाड़ने से लेकर धरना स्थल व ज्ञापन देने तक धरने से लेकर अल्टीमेटम में भी शरीक व सक्रिय रहे। आरोपी गिरफ्तार की कार्यवाही में शिवराज सिंह भाटी उप निरीक्षक पुलिस थाना बागौड़ा, सहायक उप निरीक्षक बहादुर खां, कांस्टेबल भागीरथ राम, पर्वत सिंह व नेथी राम शामिल थे। जागरूक टीवी के बागौड़ा से रटमलदान राव की रिपोर्ट।